मेरे नबी दे घर औलाद हुई, बेटा आया हजूर दे घर ते फौत हो गया। अल्लाह अल्लाह, फौत हो गया। मेरे नबी नू अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, बेटा अता फरमाया, ते बेटा फौत हो गया। अल्लाह अकबर, हजूर दा बेटा फौत हो गया। एक बात जहन अंदर आई, साढ़े बुजुर्ग सन मियाँ नूर मुहम्मद मारवी रहमतुल्लाह अलैह, मवाहिद आदमी सन, तौहीद परस्त सन। किसी ने मलफूजाते मारविया लिखी, उन्होंने नहीं लिखी। मलफूजाते महारविया किसी ने लिखी, उन्होंने साढ़े बुजुर्गों ने नहीं लिखी। क्योंकि फजायले अमाल भी मैं पढ़ी, फजायले अमाल अंदर उन्होंने बारे कुछ होर लिखे है, जिड़ी उन्होंने नाम मनसूब की गई मलफूजाते महारविया, उस कुछ होर लिखा होया। अखे जी मुख्तसर बात करांगा, हजरत साहब का एक नौकर होंदा सी, उन्होंने अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, बेटे की रूह कब्ज़ हो गई। हिंदुओं ने ताने मारे, वो तू कैसे बाबे दे कोल रहना है, वो तेरा बाबा इन्ना भी नहीं कर सकिया, तेनू बुढ़े बारे पुत्र डीजिया, वो पुत्र तेनू इतनी देर बाद इतने वरिया ते सालों बाद मिलिया, वो तू बाबे दे कोलों पुत्र भी नहीं लै सकिया। कहिंदा बाबा जी कोल आ गया, मियाँ नूर मुहम्मद साहब कोल। ये लिखी हुई गल उन्हां दी तरफ मनसूब, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आके बाबा जी कहिंदा कि बाबा जी गुजारिश करदा इंज इंज मेरे नाल होया। आखे बाबा जी ने इंज करके इशारा फरमाया ते परदे पर हट गए। उत्ते मलकल मौत जा रहा सी। मैं अपने बाबे की बात कर रहा, साढ़े पड़दादा रिश्ते, असी महार शरीफ की गति चो, यानी महार शरीफ की औलाद हाँ, राजपूत पीर महार साड़ी गोद चलती। तो बार क्या फिर लंबी बात, किसे टाइम इनफरादी तौर पर बैठ के पूछ लिया, जो दस देंगे इंशाल्लाह तुहानूं। ते बाबा जी ने साढ़े दादे की तरफ गल मनसूब की जा रही, जिहड़ा कोई वड्डा दादा सी, जिहड़ा बजुर्ग गुजरिया अल्लाह दा वली, मज़ार दरबार वगैरह भी बनाए ने लोगों ने उन्होंने, बार कैफ। बाबा जी ने इंज करके इशारा फरमाया ते परदे पर हट गए। तो बाबा जी फरमान लगे, ओए इधर आ बई थले आ। मलकल मौत ने उत्ते वेख्या, अल्लाह तेरा हुक्म है कि इहदी रूह कब्ज़ करके उत्ते लैके आ, तेरा बंदा मैनू थलों आवाज़ा पिया मारद, तो मैं की करा। अल्लाह ने फरमाया, जा पहले मेरे बंदे की सुन लै। ये तो लिखी मलफूजा ते मारवी है, जिहड़ी बाबा जी तो कितने भी ऐसी बात, असी फैमिली के लोग हाँ, सानू किसे साढ़े दादे नहीं सुनाई उन्हां दी बात। फजायले अमाल किताब तबलीगी जमात के साथ ही अक्सर लैके फिरते होंगे, फजायले अमाल के पुराने एडिशन के अंदर इन्हां बाबा जी मियाँ नूर मुहम्मद मारवी रहमतुल्लाह अलैह बारे अंदर लिखा आया कि बाबा जी एक दफ़ा जिहाद से गए, तबलीग से जिहाद से निकले अल्लाह के दीन की खिदमत वास्ते। जो वापस आए, वापस आए तो घर जिहड़ी साडी अम्मा जान सन, वड्डी दादी अम्मा, फरमान लगियां नूर मुहम्मदा, अगर आ बूहे ते मज ना बन्नी होंदी तो असी मर गए सन, असी भुखे मर गए सन, अब्बा से मज सानू बचा गई, कि मतलब ये दुध नाल असी गुजारा किया, फिर को थोड़ी जी मेहनत की असी गुजारा करते रहे। बाबा जी उस वेले बाहर गए, जाके कसाई लिया, तकबीर फेरी फेर के, तो सारा गोश्त भी बाहर वंड दिता, तो बाबा जी फरमान लगे, लै मैं तेरा रब मार दिता। हाय हाय, कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। बाबा जी फरमान लगे, लै मैं तेरा रब मार दिता, जेदा जेड़ा जेड़ा तेरा राजक सी ना, तू आख्या कि भुखे मर जाते, यार साढ़े दादे की गल है। ये फजायले अमाल वेखीए तो इवें लिखे है, मलफूजा ते मार भी जी बाबा जी ने लिखी नहीं, वो इवें लिखे है। ते मेरे नबी का भी बेटा दुनिया तो कासिम तैयब ताहिर ते इब्राहिम, मेरे नबी दे इतने बेटे। अल्लाह के नबी ने एक रिवायत अंदर आंदा है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होंदा तो मेरा बेटा इब्राहिम नबी होंदा। ये मेरे नबी का फरमान है, लेकिन अल्लाह सोना दसना चाहते ने, अल्लाह फरमाया मेरे मुहम्मद जी, ए मेरे महबूब मुहम्मद, असी तुहाडे वर्गा दूसरा कोई होर बनाया ही नहीं, भावें को तुहाडा बेटा ही क्यों ना होवे, कल नूं को तुहाडा बेटा चलदा फिरदा होवे, कोई आखे ते मुहम्मद वर्गा है, अल्लाह ये गल सुनना ही नहीं सुन चाहते। हिकमतां मेरे सोहणे मालक दियां, हाँ हाँ, नाले मेरे नबी जी खत्म नबुवत वारिस असी तुहानूं बनाया है, ताजदार खत्म नबुवत तुसी हो मेरा महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मेरे नबी ने ते मलकल मौत नूं नहीं बुलाया। वो यार गल वड्डी सी, बाबे वाली गल नालों गल उत्ते सी।